रात कैसी बीती। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे। शहर का दरवाजा बंद हो गया था। बाबा जी को ठंड लगी, गर्म कपड़ा पास में था नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी। एक भड़भूंजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा कि यह जगह बढ़िया है। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था, उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई रात कैसी बीती। इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसी बीती। बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर देखो ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुनः बाबा जी ने वही बात कही, तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया है। राजपुरुषों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया है, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिक लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया, मुझे पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसे बीती तो आपने उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं कि रात मेरे जैसी कैसी बीती। मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे जैसी कैसी हुई। बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए तब ना तो मुझे भट्टी याद रही और ना आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, और मेरे से अच्छी कैसे हुई। बाबा जी बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी और राजे की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, पर मुझे कोई चिंता ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो साहन केसा।